स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर पूरे प्रदेश में सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल है। सरकार के स्वास्थ्य सुविधाओं के बड़े बड़े दावे हर जगह फैल होते नजर आ रहे हैं। अस्पतालों में डॉक्टरों व अन्य स्टाफ की भारी कमी है। जो स्टाफ लगाया हुआ है वो भी हड़ताल व धरने प्रदर्शन कर सिर्फ अपनी मांगों के लिए लड़ता नजर आ रहा है, लेकिन मरीजों की किसी को कोई चिंता नहीं है। सरकारी अस्पताल हर तरह से मरीजों का विश्वास खोते जा रहे हैं। कैथल का सामान्य अस्पताल आए दिन किसी ना किसी विवाद के कारण चर्चा में बना रहता है। मरीज भी सामान्य अस्पताल में इलाज करवाने से कन्नी काटते नजर आते हैं, क्योंकि पहली बात तो इलाज के लिए लंबी चौड़ी कागजी कार्यवाही और फिर इलाज के नाम पर खाना पूर्ति होती है। अमर गली नंबर 8 कैथल। क्या दिक्कत है यहाँ? मुझसे बहुत तंग करे जी। अच्छा, बहुत परेशान है। रात तो पूरी स्मेल मारने लग रही है। बैठना भी स्टाफ भी नहीं है। बच्चों को भी दिक्कत है? बहुत ज्यादा दिक्कत है जी। तो क्या बच्चों से क्या किस तरह की परेशानी हो रही है? जी बच्चों को भी काटते हैं? और क्या, रात को सोने नहीं दे, सारी रात बैठ कर काटती है यहाँ पर। तो और साफ सफाई की क्या? साफ सफाई कुछ नहीं है जी। सुबह आवे एक बार ही, उसके बाद शाम तक कोई देखभाल नहीं है। टेक चंदना मोदी चीका से। क्या क्या दिक्कत है? आप कितने दिन से यहाँ? कौन आया हुआ आपके? मेरी साली आई हुई है, उसका बच्चा हुआ। अच्छा, क्या दिक्कत है यहाँ? बस यही ज्यादा तो चूहे की यार, पानी की बहुत समस्या है यहाँ। पीने का पानी नहीं है, ऊपर कहीं भी नीचे से लेके आना पड़ता है। पीने का पानी नहीं ना, पीने का यहाँ पे पीने का पानी नहीं है। चूहे रात को जैसे बाहर पड़ना पड़ता है मर्दों को, तो चूहे परेशान करते हैं बाहर भी। अच्छा, अंदर भी मतलब बच्चों के? यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पे जरूर आते हैं बहुत ज्यादा चूहे। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे कचरा पेटियाँ वगैरह पड़ी हैं उनकी, बहुत ज्यादा। पीने का पानी नहीं है, टॉयलेट में वो जैसे लेडीज बर्तन धोती है, इनके लिए भी पानी की कोई सुविधा। परमीत कौर है जी। क्या दिक्कत किस तरह के यहाँ पे? वहाँ उस रूम में थे जी, बहुत चूहे हैं। जमा कोई 50 चूहे होंगे, बैठ के ऊपर चढ़े थे। अच्छा। मैंने तो ये डर है सारे रात की भी कदे बच्चा ना काट दे, मैंने तो जाकर रात काटी। इस अस्पताल में 42 डॉक्टरों की पोस्ट सेंक्शन है। 42 में से इस वक्त सिर्फ 17 डॉक्टर ही काम कर रहे हैं, तो इसलिए डॉक्टरों की तो भारी कमी है ही। और भारी कमी के कारण मरीजों को भी परेशानी होती है, ये हम जानते हैं। मरीजों के साथ साथ डॉक्टरों को भी एक तरह से परेशानी होती है, क्योंकि इतने सारे मरीजों का बोझ जो है उसको नहीं सहन कर पाते। सवेरे 8 बजे लेकर 3 बजे तक ओपीडी में लगातार बैठना पड़ता है। कैथल से नवीन मल्होत्रा की रिपोर्ट, आजाद टीवी न्यूज।